हेलो, सलाम अलैकुम जी। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से जी? फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी सोजन आ गई। हाँ, सोजन आ जाती है। हाँ जी, तो बच्चा जिंदा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसको फिर आपने क्या उसकी सही सफाई वगैरह की है, और उसको आमल वगैरह का भी सही काटा है सही, और उसके जेर नहीं फेंकी? मेरी जान मेरी जान, अभी जेर फेंकेगी। आप इस तरह करें, एक टीका लें, 2 cc का मिलेगा, डेलमाजीन का, डेलमाजीन का टीका। अगर जुबानी याद करना चाह रहे हैं कि या लिख रहे हैं, डेलमाजीन का 2 cc का टीका अभी लाएं, लगाएं इसको, मसल में लगेगा, गोश्त में ये लगाएं, इंशाल्लाह ताला उसी वक्त आप देखेंगे जल्दी इसकी वो जेर जो है वो फेंक देगी। जब जेर फेंक दे तो उसके बाद आपने एक दो तीन चीजें लिख लें। ये आप लिखें, सफेद जीरा 100 ग्राम, 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और हाड़ू, हाड़ियों या हाड़ू कहते हैं, हाँ हाल हाँ हालियों 100 ग्राम, और 250 ग्राम ले लें फूल की, गुलाब के फूल की पत्तियां, पत्तियां ये, और 50 ग्राम मीठा सोडा, ये सारा, ये आपने, ये एक दिन का है, 3 से 5 दिन तक ये देना है। ये बेशक भले पानी में बॉईल करके उस तरह करके दे लें, या वैसे कि जिस तरह भी दे सकते हैं, अखबार में लपेट के दे सकते हैं वो दे दें, इसको अंदर जाना चाहिए ये चीजें। अभी कुछ नहीं डालना मेरी जान, आपने 3 4 कितनी 5 चीजें मैंने बताई हैं, सफेद जीरा, अलसी, हालियों, गुलाब के फूल की पत्तियां, और साथ मीठा सोडा 50 ग्राम। ये 3 से लेके 5 ग्राम, 3 से लेके 5 दिन तक आपने ये देना है मेरी जान। ये इससे ये होगा कि ये सारी जे तो हर वो डेलमाजीन से फेंक देगी, ये सारी सफाई होनी शुरू हो जाएगी इसकी, सफाई, फिर गंद निकलता है ना, ये साफ अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको जो जो भी है मेरी जान, सबसे पहले तो ये कर लेना, ये इसका जेर वगैरह फेंकेगी, उसके से अंदर से गंद निकलेगा तो कुछ खाएगी ना। और अगर आप समझते हैं कि वो आपके हुक्म से खा ले, गुजर खान के वाले के, गुजर खान वालों का हुक्म तो नहीं चलता हर जगह पे, ठीक है? गुजरात वालों का भी नहीं चलता, गुजर किसी का भी नहीं चलता, ये अल्लाह का हुक्म चलता है, अल्लाह ताला के हाथ में है, वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है? और कोई आप जबरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं खिला सकते ना, तो वो आप ये उसका इलाज सही कर लें, और उसके बाद जो उसके आप सामने कह रहे थे कि वो सोजिश है और सूजा हुआ है सारा, वो सोजिश उतरी है या नहीं?
हाँ अभी वो भी उसका भी कर लेंगे, उसका आपने वो, लेकिन अभी मैं नहीं देना चाह रहा, बाद में कर लेंगे, अभी इसका ये इलाज कर लें। और उसके बाद ये है कि इसको आपने नरम गजा देनी है, घुंघनियाँ होती हैं, घुंघनियाँ समझते हैं ना, घुंघनियाँ आप गुजर खान वाले भी जानते हैं, गंदम की हो जाए या बाजरे की हो जाए, ये हाँ तो घुंघनियाँ जो है ना वो, इसको पहले घुंघनियाँ दें, गुड़ वुड़ दें उसमें थोड़ा डाल के, और इसको भिगो के वंडा नहीं देना, 21 दिन तक आपने खुश्क वंडा देना है इनको, वंडा भिगो के नहीं देना। नहीं मेरी जान, आपको मेरे प्रोग्राम्स लगता है आपने कभी देखा ही नहीं, आप जब देखेंगे, आप मेरी देखेंगे, चैनल देखेंगे, मेरा प्रोग्राम्स देखेंगे, और गुजर खान से मुझे अफजाल साहब के बड़े कॉल्स आती रहती हैं, वो कोई हमारे 80+ के हैं गुजर खान से, और उनकी जब भी कोई गाय या भैंस का मसला होता है वो पूछते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सर मुझे तो कल शाम को किसी आदमी ने बताया था आपका चैनल, मैं ढूंढ के वहां से आपका नंबर निकाला है, अभी भी काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, नंबर बिजी जा रहा था, इसलिए कि पहले मेरी बात सुने, ये टाइम आप लोगों का तो नहीं है ना, ये टाइम है यूरोप का और ओवरसीज का, अभी डेनमार्क से थी, कनाडा से थे कॉल्स थी, और ये बाहर के ममालिक से, यो पाकिस्तान के भी जिनको इमरजेंसीज हैं वो कर रही हैं, कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, जिसकी एक रहीम यार खान से काल थी कि उनकी आंख भैंस की सफेदी आ गई थी आंखों में, वो इतनी खुश थी, दुआएं दे रही थी कि वो आपकी दवाई से वो उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, तो इस तरह के लोग हैं। अभी आप मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे तो 5,000 से ज्यादा तो इस चैनल पे हैं, और दूसरे चैनल पे भी, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, और जिसमें दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की अगर वीडियोस हैं तो वो डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा की है, ठीक है ना, तो ये आप देखते जाएं बिस्मिल्लाह करके। मेरा नाम है डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा, शायद आपने पहले टीवी पे देखा हो, जो ओल्ड वाले भी मिलेंगे आपको, सफेद दाढ़ी वाला भी मिलेगा आपको, एक बगैर दाढ़ी के भी मिलेंगे आपको, आज जो आज वाली तस्वीर है ना, ये आज अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड करूंगा, तो ये आपको लेटेस्ट मिलेगी, जो लेटेस्ट आज तारीख क्या है, 19 मई, क्या आपसे मैं बुलवाना चाहता हूँ, कितनी मई तारीख है, 19 मई 2020, और 25 रमजानुल मुबारक, सही है या नहीं, सही है, आज की डेट में ये मेरा सेहत भी देख लेंगे और मुझे देख लेंगे कि आजकल क्या है, ठीक है, ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला आपकी भैंस को ठीक कर दे, अल्लाह ताला करेगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं, हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद शवाल के 6 नफली रोज़े रखे, तो ये पूरे साल भर के रोज़े रखने की मानित है, कि मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें, फी मानला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।